जेपी सेंटर को बेचने की तैयारी में योगी सरकार, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है जेपी सेंटर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शासन को इसका प्रस्ताव भी भेजा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, एलडीए ने जेपी सेंटर की जो कीमत है वो 1642.83 करोड़ रुपए आकी है। तो वहीं 2012 से 2017 के बीच सेंटर का निर्माण करवाया गया था। जेपी सेंटर पर 881 करोड़ रुपए लगभग खर्च हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको बेचने की तैयारी में अब योगी सरकार। जेपी सेंटर के गेस्ट हाउस में 103 लग्जरी कमरे जो हैं वो बनवाए गए हैं। तो वहीं जेपी सेंटर में 7 सूट हेल्थ सेंटर और रेस्टोरेंट भी शामिल है। इसी के साथ मल्टी लेवल पार्किंग भी यहां पर है। तो वहीं 7 फुट बाहर लटकता हुआ स्विमिंग पूल और हेलीपैड भी यहां पर मौजूद है। तो अब जेपी सेंटर को बेचने की तैयारी में है योगी सरकार। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, योगी सरकार अब अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को बेचने की तैयारी कर रही है। जेपी सेंटर को बेचने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। एलडीए ने जेपी सेंटर की कीमत आपको बता दें कि लगभग 1650 करोड़ रुपए के आसपास की जो वाकई है। बता दें कि जेपी सेंटर अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। 2012 से 17 के बीच 5 साल में इस सेंटर का निर्माण करवाया गया था। तो आपको बता दें कि जेपी सेंटर के गेस्ट हाउस में 103 लग्जरी कमरे जो हैं वो बने हुए हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी चंद्रमणि हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। चंद्रमणि, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी सेंटर को, तो चंद्रमणि को भी रोकना चाहेंगे। हमारे साथ विवेक साइनस सपा नेता हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करेंगे। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से खबर इस वक्त सामने आ रही है कि जेपी सेंटर को अब बेचा जाएगा, इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, ये सरकार तो एकदम बदले की भावना पे उतारू हो गई है जी। इनके पास कोई काम तो है नहीं। पुराने जो हमारे प्रोजेक्ट है या तो उसका फीता काटते हैं, हमारा अपना नाम लेके कि वो हमने किया है, या फिर अब जेपी सेंटर को बेचने की, आपकी तरफ से मुझे ये जानकारी मिल रही है कि जेपी सेंटर को बेच रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही जैसे मोदी सरकार एक रवैये पे चल रही है, धर्रे पे चल रही है, उसी तरह योगी जी भी वही काम कर रहे हैं। जैसे मोदी जी बीएसएनएल को बेच रहे हैं, एलआईसी के शेयर्स निकाल दिए हैं, आईपीओ दे रहे हैं, बड़ी बड़ी जो हिंदुस्तान की कंपनीज है, एयर इंडिया हो गई, एयरपोर्ट हो गए, इनको बेच रहे हैं, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, उसी राह में योगी जी चलते हुए जेपी सेंटर को बेच रहे हैं। हम तो यही कहेंगे जी जी जी, वहीं आपसे जाना चाहेंगे जिस तरीके से इस सेंटर का निर्माण करवाया गया और करीब करीब इस पर 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो आपसे जाना चाहेंगे उस वक्त आप लोगों का क्या एम था कि 900 करोड़ रुपए खर्च करके जेपी सेंटर का निर्माण करवाया गया, और लेकिन अभी भी बड़ी बात इसमें यह है कि 130 करोड़ रुपए की जरूरत और है इसके कार्य को पूरा करने के लिए। देखिए, जेपी सेंटर जनक जेपी नारायण जो थे, जो जी किसानों के और मजदूरों के जो नेता है उनके नाम पे था, लखनऊ में था, राजधानी में था जी। वो एक वहां पर कोई भी जा सकता था, निःशुल्क जा सकता था। क्या नीतियां हैं, क्या क्या कैसे हमारी इतिहास का क्या इतिहास में हमारा क्या हुआ, तो उसकी जानकारी ले सकता था जी। उसके अंदर कमरे भी थे, लोग रह सकते थे, उसमें मीटिंग हो सकती थी, उसमें आप डायरेक्टली ऊपर से उसमें हेलीपैड भी बन चुका है जो कि ऊपर हेलीकॉप्टर आके रुक सकता है, तो सारा काम हो चुका था जी। विवेक जी, आपसे जी आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कोई भी आम व्यक्ति जो है वो जाकर यहाँ पे जो जानकारी है जेपी जी के बारे में ले सकता था और अपना जो हमारा पीछे जो समय बीत गया उसके बारे में जान सकता था, लेकिन कौन सा आम आदमी आपसे जाना चाहेंगे हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचता? आपने जिस तरीके से कहा हेलीकॉप्टर से, मेरा कहने का मतलब ये है जी जी, उसकी जो टॉप फ्लोर था वहां पर हेलीपैड भी बनाया गया जी। उसमें हम कई तरह की सुविधा दे रहे थे, हो सकता उसके 2-3 फ्लोर पे हम हॉस्पिटल भी बनाते जी। लोगों के लिए रहता, इन केस अगर आप एम्बुलेंस में फंसे हुए हैं, आप जैसे विदेशों में होता है, ये हमारी नीति थी, जैसे विदेशों में होता है कोई भी नर्सिंग होम बिना हेलीपैड के उसको लाइसेंस नहीं मिलता। मान लीजिए आप कहीं रास्ते में ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, किसी की मृत्यु हो सकती है, तो उसको एयरलिफ्ट करा के आप लेके जा सकते थे, उसकी जान बचाई जा सकती थी जी। जी विवेक जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने कि किसी भी मरीज को एयरलिफ्ट करवाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, वही हमारे सहयोगी चंद्रमणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। चंद्रमणि, जिस तरीके से खबर सामने आई है कि जेपी सेंटर गेस्ट हाउस को अब योगी सरकार जो है बेचने की तैयारी कर रही है,
जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जो JPNIC है उसको जो है प्राइवेट हाथों में देने की बात की जा रही है, और वहीं अगर कीमत की बात करें तो 1650 करोड़ की कीमत आंकी गई है इस पूरी इमारत की, जो पूरा इसका स्ट्रक्चर है उसको लेकर। हालांकि ये अखिलेश यादव का जो सपा सरकार के मुख्यमंत्री थे उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसको लेकर वो तरह तरह की उन्होंने घोषणाएं की थी, इसका उद्घाटन भी किया था। हालांकि इसका पूरा निर्माण नहीं हो सका था और उसके बाद में जब सरकार बदली उसके बाद में ऐसी अब खबरें आ रही हैं कि जो JPNIC है उसको प्राइवेट हाथों में सौंपा जाएगा, जिसके पीछे भी कई कारण बताया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कम शब्दों में हमें बताइए कि किस ये इसका एम क्या था, आखिरकार सपा सरकार किस बात को देखते हुए इसका निर्माण करवा रही थी और 900 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए। देखिए, अगर हम सपा सरकार की बात करें तो सपा सरकार का एक प्रमुख एम था कि लखनऊ में एक ऐसी इमारत होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तरह हो, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर लखनऊ में एक ऐसी इमारत बननी चाहिए थी जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।